हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रिया। वेलकम बैक टू माय चैनल लम्हे। तो काफ़ी टाइम बाद मिल रही हूँ मैं आप लोगों से अपने ब्लॉग में। ब्लॉगिंग करने का बिल्कुल भी मन नहीं है इस वक्त, और बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा है कुछ नया बनाने का। तो बस थोड़ा बहुत जो है मैं शूट कर पाई हूँ, क्योंकि मैं घर गई थी और घर पर जो है रेनोवेशन का काम चल रहा था कम से कम 1.5 महीने से। तो वो जो है कम्प्लीट हो गया था दिवाली से पहले ही, लेकिन मुझे आने का टाइम अभी मिला है। तो दोपहर का टाइम है, 3 साढ़े 3 बजे के आसपास ही मैं आई थी घर पे, और अभी भी यहाँ पे काम थोड़ा बहुत चल रहा है क्योंकि सिस्टर की छुट्टी नहीं होती है। तो आज छुट्टी है दोनों की, दोनों अपने अपनी चीज़ों को जो है संभालने में लगी हुई हैं। तो कुछ बदलाव किए हैं, बहुत सारी चीज़ें चेंज की हैं, कुछ नई चीज़ें आई हैं और कुछ आनी बाकी हैं शायद। तो वही सब चीज़ें मैं देख रही थी, तो अच्छा लग रहा है। थोड़ा बहुत रिनोवेशन जब हो जाता है ना घर में, कुछ चेंजेस हो जाते हैं तो अच्छा लगता है खुद को भी और आँखों को भी। तो बहुत अच्छा लग रहा था सब कुछ चीज़ें देख के। तो काफ़ी टाइम बाद मैं आई हूँ, और अभी जो है व्लॉगिंग करने का बिल्कुल भी दिल नहीं है। और दिवाली से पहले जो शॉपिंग की थी वो भी जो है मैंने आप लोगों को नहीं दिखाई, तो वो भी जो है मैं इसी व्लॉग में आपको दिखाने वाली हूँ। तो बस अभी पहुँची हूँ, लंच वगैरह करेंगे, और क्योंकि लंच का टाइम तो ओवर हो चुका है, और लेकिन बस थोड़ा बहुत खाऊंगी जो मम्मी ने बना रखा होगा, बाकी शाम को देखते हैं कुछ स्नैक्स खा लेंगे। तो वो भी मंगवाया हुआ है, तो बस अभी शाम कहीं समझ लो बैठेंगे, अभी थोड़ी बातें बातें करेंगे और तब तक शाम हो जाएगी। ये कमरा भी थोड़ा चेंज हो गया है, यहाँ पे भी एक बेड आ चुका है। तो चलिए अब आ चुकी हूँ घर पे, 2 दिन यहीं रहूँगी, 2 दिन तो नहीं 1 दिन रहूँगी, क्योंकि अभी आई हूँ, आधा दिन तो निकल ही चुका है। रात रुकूँगी और नेक्स्ट डे फिर अपने घर। तो घर में जब कुछ चेंज हम लोग करते हैं, रेनोवेशन करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है, और नई नई चीज़ें लेके आते हैं डेकोरेशन की। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे आई हैं, और डेकोरेशन करके थोड़ा बहुत घर को संभाल लिया है, लेकिन जो मेजर काम है जैसे कि बहुत सारी चीज़ें फैली हुई हैं, उन सब चीज़ों को सॉर्ट आउट करना, उन्हें संभालना, और जो भी कबाड़ है उसको फेंकना, वो बहुत ज़्यादा सिरदर्दी वाला काम है। तो अभी जो है वही चल रहा है। तो दोनों बहनें जो हैं वो लगी हुई हैं नीचे वाले कमरों में, और ऊपर जो है मम्मी पापा छत और अपना कमरा वो सारे समेटने में लगे हुए हैं। तो सुबह से ये लोग लगे हैं, क्योंकि आज बहनों की छुट्टी थी और वो देखे थक के लेट भी गई है छोटी वाली बहन। तो बहुत सारा काम होता है, और यहाँ पे जो है ये ऑर्गेनाइज़र लेके आए थे जिसमें काफ़ी सारे हमारे कपड़े अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। तो ये चीज़ें मैं सब देख रही हूँ उनकी, और छत पे तो अभी बहुत ही बुरा हाल है। वहाँ तो मैं गई थी लेकिन आपको दिखाने लायक नहीं था, तो उसने दिखाया नहीं। अब हो चुकी है शाम और यहाँ पे सभी ने ले लिया है ब्रेक। तो यहाँ पे पूरी स्नैक्स पार्टी, कुछ गोलगप्पे, समोसे, ब्रेड पकौड़ी सब मंगवा लिए थे, तो बस हम लोग यहाँ पर वही खा रहे हैं। लंच वगैरह तो किसी ने भी ज़्यादा किया नहीं था, बहुत कम लंच किया था, और अभी जो है यहाँ पर थोड़ा बहुत हम खा लेंगे, थोड़ी एनर्जी आ जाएगी, तो बातें बातें करेंगे, बाकी काम करेंगे हम लोग कल। और यहाँ पे देखिए आदविक बना रहा है क्राफ्ट क्ले से, उसने बहुत ही प्यारे गणेश जी बनाए हैं। बन गया देखा, अरे वाह, ये तो बड़े अच्छे बनाए तूने गणेश जी, गुड, वेरी गुड। तो जैसे कि व्लॉग के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि दिवाली से पहले हमने की थी शॉपिंग, वही जो है यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और कुछ चीज़ें ली थी बच्चों के लिए। तो इस टाइम भी जो है मैं घर मम्मी के घर के पास ही हूँ जहाँ से हम लोग शॉपिंग कर रहे हैं, और अभी जो है बच्चों के लिए यहाँ पे कपड़े और कुछ जूते वगैरह लेंगे, वही सब चीज़ें यहाँ से लेके हम जाएंगे मम्मी के घर पे। तो वहीं पे जाके मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने क्या क्या शॉपिंग की थी। तो ये स्लीपर्स मैंने लिए थे अपने लिए और घर में पहनने के लिए, अच्छी लग रही थी, कम्फर्टेबल है काफ़ी। सर आपके लिए एक हाँ, इनके लिए सही है, सही आ रही है, सही साइज क्या है, साइज देखा भी नहीं इसका, पहन के देखा था। तो यहाँ से जो है हमने कुछ आयुष के लिए और हस्बैंड के लिए चीज़ें ली हैं।
वो घर चल के मैं आपको दिखाऊंगी। और अभी जो है हम लोग जा रहे हैं नीचे वाले सेक्शन में, वहाँ पे लेडीज़ का भी है, तो देखती हूँ वहाँ पे आरिश को कुछ पसंद आता है तो। और उसने कुछ लिया नहीं है, और वो पता नहीं लेती नहीं है, बहुत कम लेती है। और यहाँ पे मैं शूज़ वगैरह भी देख रही थी तो काफ़ी अच्छे लग रहे थे मुझे, लेकिन मुझे अपने लिए लेना नहीं था, मेरे पास ऑलरेडी है, मैं वही नहीं पहनती। तो अभी जो है यहाँ पे मैं आयुष के लिए ही देख रही थी, तो बच्चा कॉलेज जाता है, बहुत जल्दी जल्दी जो है शूज़ वगैरह ख़राब होते हैं बच्चों के, तो बस ले लेते हैं। तो बस अभी यहाँ से जो है दो तीन जोड़ी इसके लिए ले लेंगे, बाकी हस्बैंड को अपना लेना होगा वो देख लेंगे। तो मुझे तो यहाँ पे कुछ खास लेना नहीं था, बस स्लीपर लेने थे वो मैं ले चुकी हूँ, और बस अब चलते हैं यहाँ से शॉपिंग करके घर पर। तो मैं और मेरे हस्बैंड आ चुके थे बाहर, और बिलिंग में काफ़ी टाइम लग रहा था, और इसी वजह से जो है बच्चे बिलिंग करवा के सारा सामान बाहर ले आएंगे, और हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं। और बाहर दिवाली की रौनक लगी हुई है, वही सब मैं देख रही हूँ, क्योंकि ये वीडियो मेरा दिवाली से पहले का है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो हम आए थे यहाँ पर रेड टेप में, और यहीं से जो है हमने अपनी शॉपिंग की है, तो वॉकिंग डिस्टेंस पर ये मम्मी के घर का घर के पास ही है। तो बस अब हम लोग जा रहे हैं घर पर, तो वहीं चल के आपको दिखाती हूँ सारी शॉपिंग कि हमने क्या क्या लिया है। तो चलिए चलते हैं घर पर। और मुझे यहाँ से एक चीज़ और लेनी थी, मैंने देख भी ली थी, लेकिन ये लोग बातें करते करते इतनी जल्दी जल्दी आगे चले गए तो मैं ले ही नहीं पाई। जूते तो जूते हैं, अब सामान आ चुका है, अनबॉक्सिंग कौन करेगा? ये फीचर तो देख लो क्या है, ये पागल है, ये क्या कर रहा है माँ को? ये किसके शूज निकाले? ये है मौसा जी के डब्बे के, भी पैसे लिए एक्स्ट्रा। मौसा जी के शूज है भैया, निकाल निकाल के लगा बिना डब्बे के ले जा। एक गले में ऐसे रखो, तीन जोड़ी तो आ जाएंगे। कोई पूछ रहा हमें कितने की बच रहे हो? पैसे तो वो बिग बाजार में जाते तो वो भी पैसे लेते हैं, थैली डाल डालने। अरे हर आउटलेट पे है पैसे, सब मॉल में भी तो सब सब कपड़ा वो अपने वेस्ट साइड में चले जाओ, सब के उसके बैग के पैसे। ये मेरी है बेटा। हां ये मौसी की चप्पल लेते हैं। हां हां वही स्कैम है, स्कैम। वो टाइम चल रहा है, बहुत बिजनेस हो रहा है। मौसी की चप्पल है घर की, स्लीपर है। ये यहाँ से जो शूज लिए थे वो हैं शायद पापा के होंगे। हाँ पापा के होंगे, ये मौसा जी के शूज हैं शादी के। शादी किसकी शादी में रख दे, मेरी शादी में भी आ सकते हैं पहन के, तब तक तो बहुत छोटे हो जाएंगे। अरे फिर बड़ा फोन कहां पर, वो छोटे हो जाएंगे, तू बड़ा हो जाएगा बेटा, तू बड़ा होगा मेरी शादी में। मौसा जी के शूज शादी के, तुम्हें भाई कितना बड़ा कर रहा है, श्रिंक होते श्रिंक जी अंदर और भी है। ये किसकी, ये किसका है? ये भैया का है। ये आपका कुर्ता है? मुझे भी चाहिए, अभी तो अच्छा लग रहा है। ये नाना वो है कपड़ा है, किसका कपड़ा है? ये भी मौसा जी ने लिया अपना। अरे भाई अरे चप्पल कहाँ से ली, खेले वाले से? नहीं और पहन के देख रही है, अच्छा लग रहा है। पैसे कर दे वैसे, अच्छा बेचता है ना, टेप से लिए है, उसकी बातें कर रही हो। ये किसका है? ये चप्पल कहां से ली, ठेले वाले से? देखा बेटा ये गोलू भाई के शूज,
कौन से हैं? देखो ये भी रेड टेप के लाए हो। सिर्फ डब्बा है। अरे मम्मी यार ये बोलना जरूरी था। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। ये लो आपका जूता है। तो अभी तो रख के दे दे। ले भाई। ये कितने का है? बदतमीजी बदतमीजी। यार मुझे भी चाहिए। ले लिया। रेड टिप से लिए सारे ये शूज और ये चप्पलें वगैरह सारे। अरे बड़े बड़े के ये बिक रहे हैं, बच्चों का थोड़ी बिक रहा था कुछ। नहीं ये है बच्चों के तो यहाँ इस वाली दुकान पे तो नहीं थे, कहीं और मिल जाएंगे। यहाँ पे बच्चों के पजामा भी है। ये क्या कर रहा है बेटा? पैसे दिए हैं हमने इसके भी बैग के भी। ये भैया के ही है। इसमें पजामा क्या व्हाइट है कि क्रीम कलर का है? और एक ये है। अरे ये वाले तो अच्छा दो है क्या? अरे भाई जी ब्लॉग में तो दिखा। एक वो तो नहीं है पजामी, तो पजामी टाइप के नहीं होते। अच्छा ना ये तो ऐसे वैसे भी गंदे कर देता है। अच्छा ये अच्छा ये ऊंचा वाला जो नहीं पैंट वाला जो होता है हमारे गुन्नू का आएगा। ये तो बहुत छोटा है मगर इसके काम आएगा। ये तू ले ले पैंट आ जाएगी तेरे। छोटा है ये समझती नहीं बात को। अरे गोलू को बोलू तेरे को आ जाएगा ये भाई। वो जो पैंट नहीं चलती वो टखने से ऊपर वाली वो आजकल लड़के भी तो पहन रहे हैं भाई। वो चिपकी बनती है मिलती नहीं है। चिपकी पैंट नहीं नहीं चिपकी हुई। ये है गोलू भाई के शूज। ये मार मत देना मेरे को। ये गोलू भाई के शूज है। तो बस यही थी हमारी छोटी सी शॉपिंग जो कि हमने दिवाली से पहले की थी और जिसे आद्विक ने बहुत ही हंसी मजाक करते हुए सभी के साथ शेयर किया है। तो बहुत अच्छा लगता है जब सारी फैमिली मिलकर इस तरीके से हंसी मजाक करती है। तो थोड़ी बेइज्जती कर रही हूं चमकीले बाल से। बेइज्जती करके हंस रही हूं भाई। तेरे मैंने देखी थी ना। किसने खाना है? किसी ने खाना है? तू खा ले। ये किसके लिए है? तो इसी हंसी मजाक के साथ इस व्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने लिए अपनों के साथ। टिल देन बाय बाय।